फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डोरमेट का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन के लिए मैंने दो कलर की ऊन ली है और दोनों कलर को मैंने डबल कर लिया है और 8 नंबर की सिलाई ली है। 8 नंबर की सिलाई पे एक फंदा मैंने नॉट बनाकर डाल लिया है। टोटल हमें 23 फंदे डालने हैं। एक फंदा डाल दिया, फिर धागे को ऐसे उंगली में फंसा कर ऐसे एक फंदा बनाया, फिर 2 3 ये 4, 1 2 3 4, तो इसी तरह हमें टोटल 21 फंदे डालने हैं। यहाँ मैंने 23 फंदे डाल लिए हैं। हमें यहाँ 6 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 5 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, तो 23 फंदे मैंने डाल लिए हैं। और ये सिलाई हमें उल्टी, पूरी उल्टी बुननी है। एक सिलाई मैंने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमें 3 सिलाइयां और उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। एक सिलाई बुन ली है और 3 सिलाई, टोटल हमें 4 सिलाइयां उल्टी बनानी है। तो मैं 4 सिलाई आपको टोटल करके उल्टा बुनकर बताती हूँ, फिर हमें कलर चेंज करना है। आप ऊन की जगह इसे पुरानी साड़ी या पुरानी चुन्नी से भी बना सकते हैं। 4 सिलाइयां मैंने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है और 5वीं सिलाई, अब हमारी ये 5वीं सिलाई है और रॉन्ग साइड है। डिजाइन हमारा हमेशा रॉन्ग साइड में ही बनेगा। राइट साइड में हमें जो फंदे जिस कलर के दिखेंगे उसी कलर से बनाने हैं। तो पहले हमें 5 फंदे फर्स्ट कलर से बनाने हैं, 2 3 4 और ये 5। पहला फंदा मैंने बिना बुने उठाया, आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 फंदे और एक फंदा सेकंड कलर से बनाने हैं। तो यहां मैं सेकंड कलर लगा रही हूं। सेकंड कलर से एक फंदा बनाना है, फिर 5 फंदे फर्स्ट कलर से बनाना है और इस धागे को ऐसे साथ में ऐसे लेते जाना है ताकि ये लंबा ना दिखे। 3 फंदे हो गए, 4 और ये 5, फिर एक फंदा इस कलर से बनाना है, फिर 5 फंदे फर्स्ट कलर से, 2 3 4 और ये 5, एक फंदा सेकेंड कलर से। तो इस तरह 5 और ये 6, इन्हीं 6 फंदों का हमारा डिजाइन बनेगा और लास्ट में ये 5 फंदे ये डिजाइन को इक्वल करने के लिए हैं। इस धागे को ऐसे लेना है और तब ये 5, फिर एक फंदा सेकेंड कलर से और बाकी 5 फंदे फर्स्ट कलर से बनाने हैं। डिजाइन की राइट साइड है। राइट साइड में पहला फंदा मैंने बिना बुने उठाया और 4 फंदे, 3 4, तो इसको मिला के 5 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं और ये फंदा हमने दूसरे कलर से बनाना है। तो धागा पीछे किया और इस धागे को ऐसे क्रॉस करके इस साइड लिया, इसको नीचे से ऐसे आगे लेकर इस फंदे को उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे, इन्हीं 6 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। 5 फंदे इस कलर से बनाने हैं फर्स्ट कलर से और एक फंदा सेकंड कलर से, 1 2 3 4 5, धागा पीछे और इस धागे को आगे लाना है और एक फंदा सेकंड कलर से बनाया, फिर 5 फंदे फर्स्ट कलर से बनाने हैं और ये फंदा सेकंड कलर से, फिर लास्ट के 5 फंदे फर्स्ट कलर से। तो ये सिलाई मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब आ जाइए उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में 5 फंदे फर्स्ट कलर से बनाने हैं, 4 फंदे, 2 3 और ये 4। अब एक फंदा इसे हमें सेकंड कलर लगाना है, 1, फिर इसको भी इसी कलर से बनाना है, 2 और 1 ये 3।
तो दोनों साइड से हमें एक एक फंदा इस कलर के लेते जाना है। और तीन फंदे फर्स्ट कलर के, तो तीन फंदे फर्स्ट कलर से बनेंगे और तीन फंदे सेकंड कलर से। और लास्ट के चार फंदे फर्स्ट कलर से बनाने, दो तीन और ये चार। फिर राइट साइड में जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं उन्हें उसी कलर से बनाना है। ये फंदा बिना बुने उतारा और तीन फंदे उल्टे बुन दिए, धागा पीछे किया और इस धागे को आगे लाना है। फिर तीन फंदे सेकंड कलर से बनाने हैं, धागा पीछे, तीन फंदे फर्स्ट कलर से, तो इसी तरह तीन फंदे सेकंड कलर से, तीन फंदे फर्स्ट कलर से बुनकर इस सिलाई कंप्लीट करनी है। इस सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड में फिर हमें पहला फंदा मैंने बिना बुने उतारा और दो फंदे उल्टे बुने फर्स्ट कलर से। फिर हमारा एक फंदा यहाँ सेकंड कलर से बढ़ जाएगा, तो इस तरह हमारे ये फंदे कम होंगे और ये बढ़ते रहेंगे, दो तीन चार और ये एक फंदा इस कलर से लेना है तो पांच। फिर अब हमारे पास यहाँ सेंटर में एक फंदा बच जाएगा और इस कलर को हमें ये पिंक कलर से बनाना है, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर एक फंदा फर्स्ट कलर से, पांच फंदे सेकंड कलर से, दो तीन चार और एक फंदा ये पांच। फिर लास्ट के तीन फंदे सेकंड फर्स्ट कलर से, दो तीन। राइट साइड में जो फंदे जिस कलर से बने हैं उन्हें उसी कलर से बनाना है। ये सिलाई हमारे कंप्लीट हो गई और हमारा एक डिजाइन भी यहाँ कंप्लीट हुआ। पहले हमने इस कलर से एक फंदा बढ़ाया, फिर बनाया दो फंदे इधर बढ़ाए, एक इधर एक इधर तीन, फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाया एक यहाँ, पांच फंदे। तो यहाँ कम होते गए और यहाँ बढ़ते गए। अब हमें जैसे हमने यहाँ चार सिलाइयां उल्टी उल्टी बनाई थी, तो चार सिलाइयां हमें फर्स्ट कलर से उल्टी उल्टी बनानी है। तो मैं ये चार सिलाइयां आपको उल्टी उल्टी बुनकर दिखाती हूँ, फिर हमारा डिजाइन बनेगा। जो हमने दूसरे कलर से फंदे बनाए हैं उन्हें भी हमें इसी कलर से बनाने हैं। सारे फंदे अब हमें फर्स्ट कलर से बनाने हैं, तो इस तरह चार सिलाइयां मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। चार सिलाइयां मैंने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, पहले हमारा डिजाइन यहाँ पड़ा था, अब डिजाइन हमारा सेम रहेगा लेकिन इसकी जगह चेंज हो जाएगी। तो अब जो हमारे एक फंदा है, ये वाला एक फंदा अब हमें यहाँ बनाना है और यहाँ हमें पांच फंदे इस कलर से बनाने हैं और एक फंदा इस सेकंड कलर से। तो इस तरह अब ये डिब्बी हमारी यहाँ पड़ेगी और एक डिब्बी यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। तो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। पहले दो फंदे हमें फर्स्ट कलर से ही बनाने हैं, तो पहला फंदा मैं बिना बुने उतारूंगी और एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा सेकंड कलर से बनाने हैं और फिर पांच फंदे फर्स्ट कलर से, एक दो तीन चार और ये पांच। और जो ये हमारे ये सेंटर का फंदा है ये सेकंड कलर से, एक और फिर पांच फंदे फर्स्ट कलर से, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर एक फंदा सेकंड कलर से, फिर पांच फंदे फर्स्ट कलर से, एक दो तीन
चार और ये पांच, और एक फंदा सेकंड कलर से और दो फंदे फर्स्ट कलर से। और राइट साइड में जो फंदे जैसे बने हैं उन्हें वैसे ही बनाना है, जो जिस कलर से हैं उन्हें उसी कलर से बनाना है। ये धागा आगे किया और एक फंदा सेकंड कलर से बना दिया, फिर धागा पीछे, पांच फंदे फर्स्ट कलर से, जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाने हैं। तो इस बार हमारा ये डिजाइन यहाँ पर रहा है। तो फिर अब हमें अगली सिलाई में क्या करना है, इस बार हमने एक फंदा बनाया, फिर दोनों साइड से एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से हमें सेकंड कलर से बनाना है। तो ये तीन फंदे हमारे सेकंड कलर के बनेंगे और तीन फंदे फर्स्ट कलर के। इसी तरह फिर हमें ये डिजाइन बनाना है। तो मैं आपको ये डिजाइन पूरा करके दिखाती हूँ। इस तरह हमारा ये दूसरा डिजाइन बनकर भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर ये चार सिलाइयां उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है फर्स्ट कलर से। इस सारी सिलाई हमें फर्स्ट कलर से उल्टी उल्टी बुननी है। तो इस तरह हमें चार सिलाइयां पूरी दोनों साइड उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। इस तरह हमारा ये दो कलर का डोरमेट बनकर तैयार हुआ। इसी को आपको आगे रिपीट करते जाना है, इन दो डब्बियों को। और आप अगर इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदे ज्यादा डाल सकते हैं, सिक्स के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। और लास्ट में यहाँ हमें पांच फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं और इन्हीं दो डब्बियों को फिर रिपीट करते जाना है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ फंदे कैसे घटाने हैं। जितना बड़ा आपको चाहिए उतने के बाद फिर चार सिलाइयां फर्स्ट कलर से बनानी है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है वैसे यहाँ बंद करते समय हमें चार सिलाइयां फिर उल्टी उल्टी फर्स्ट कलर से बनाकर कंप्लीट करनी है। और उसके बाद इन फंदों को ऐसे बंद कर देना है। तो दो फंदों का एक करते हुए ऐसे बंद करना है, दो फंदों का एक किया और इस फंदे को वापस फिर इसी सिलाई में लेकर एक फंदा और साथ में लेकर दो फंदों का एक करना है, फिर वापस इस फंदे को लेकर और इस फंदे को साथ में लेकर दो फंदों का एक करना है ऐसे। लास्ट फंदे को वैसे बुनकर इसे धागे को टाइट कर लेना है और फिर हमें यहाँ इस धागे को कट करना है इस तरह। तो आप भी ये डोरमेट बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा डोरमेट बनाने का तरीका आपको कैसे लगा। थैंक यू।